हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं जाने वाला था घर, लेकिन मैं घर नहीं गया हूँ क्योंकि मैं अभी बिहार BSPHCL यानी बिहार बिजली विभाग की तैयारी कर रहा हूँ। इस वजह से फ्रेंड्स मैं घर नहीं गया हूँ और मैं कई दिनों से परेशान था क्योंकि इसके बगैर वैकेंसी वगैरह आ चुका है और मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा बुक पढ़ूँ, कौन सा बुक बाय करूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक है और मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसमें फ्रेंड्स मेरा एक दोस्त है जो इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो उसने मुझे एक बुक सजेशन दिया कि मैंने इस बुक को परचेज किया है, अगर तुम भी चाहो तो इस बुक को ले सकते हो और पढ़ के देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उस बुक को कल शाम को ही मार्केट से जाके परचेज किया था और आपको दिखाता हूँ कि वो बुक कौन सा है और आपको भी उस बुक को पढ़ना चाहिए या नहीं। अभी अगर बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, UPPCL की तैयारी कर रहे हैं या आप ALB की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बुक यह होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ और उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू भी करा देता हूँ इसमें। और बाकी वीडियो मेरा अगर ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो गाइस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कौन सा बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो गाइस मेरे पास एक निमी पैटर्न का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक है जो सभी ITI के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैं भी इसको पढ़ रहा था पहले, लेकिन इसमें गाइस मुझे उतना मतलब डेप्थ नॉलेज मतलब समझ में नहीं आ रहा था हमको, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने मुझे इस बुक के बारे में सजेशन किया जो कि ITI इलेक्ट्रिशियन ग्रुप का ही है और इसके राइटर SK झा। तो यह SK झा का जो बुक है UPPCL और BSPHCL और लोको पायलट वगैरह के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बुक है और मैंने इसे खुद पढ़ा है गाइस। और मैं इसका कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में सजेशन कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हम चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQ, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर रिवीजन, लाइव वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिशियन फार्मूला, उसके बाद है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वगैरह। तो आपको पहले इस चैप्टर का क्या मिलेगा, पहले आपको इस चैप्टर का गाइस थ्योरी मिल जाएगा, ठीक। आपको इस चैप्टर का पहले आपको थ्योरी मिल जाएगा और थ्योरी जब जैसे ही ख़त्म होगा ना उसके बाद गाइस आपको MCQs मिलेंगे, यानी जितने भी अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो टोटल MCQs मिलेंगे। तो आप अगर एक तरह से फ्रेंड्स इसका थ्योरी को अगर पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर MCQs को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरह से क्लियर यह हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इस बुक को परचेज किया और काफ़ी अच्छा बुक मुझे लगा। तो आप भी अगर इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो आप इस आपके लिए काफ़ी अच्छा यह बुक साबित हो सकता है। और इस बुक का प्राइस 400 है लेकिन मुझे यह बुक 360 रुपये के आसपास में मिला हुआ था। आप इसको ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस बुक को पढ़ के। और बाकी गाइस अगर आपको मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।